हाँ माता जी, अशोक पति बहराइच वाली आप आ रहे हैं? आ जाइए थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ उधर बैठा दो ना, पीछे पीछे जगह है, बैठा दो, भक्तों के बीच बैठा दें उनको। आ जाइए माता जी, आप भजन मत गाना, थोड़ा बोलना, नीचे कर दो इसको। बोलिए श्री सतगुरु देव की जय, ओम संत समाज की जय, ओम भक्ति में माता बहनों छोटे छोटे भाई बहनों की जय। मैं कई बार यहाँ आ चुकी हूँ सत्संग में, और कबीर जयंती में भी आई हूँ, और सम्मेलन में भी, वार्षिक सम्मेलन में। लेकिन ध्यान शिविर में आ करके कुछ अजीब सा महसूस हुआ, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो संतों का आदेश हुआ कि मोबाइल तुरंत अपना अपना जमा कर दीजिए, मुझे बहुत प्रशंसा हुई इसे। और जो मौन रहने की प्रक्रिया अपनाई गई वो मुझे विचार बहुत अच्छे लगे। अगर मौन रहो तो ध्यान करने बैठो तो ज़्यादा इधर उधर के विचार बहुत कम आते हैं, और जितनी ही बातें करो उतना ही मन ध्यान में बहुत कम लगता है। इसलिए मौन वाली प्रक्रिया जो थी वो बहुत सुंदर लगी मुझे। मैं ध्यान तो घर पे भी करती हूँ, सुबह उठ जाती हूँ, लेकिन यहाँ ध्यान एक दिन मेरे नींद थोड़ी थोड़ी आई, और घर पे कुछ कभी कभी नींद आ जाती है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि मेरे नींद तो नहीं आएगी ध्यान के समय, और चाहे जौन हो जाए। और यहाँ ध्यान करो, ध्यान कक्ष में आओ, सुबह ध्यान करो, सत्संग सुनो, उसके बाद उठो, वहाँ भोजनालय में जाओ, देखो तैयार है सब जलपान, संत लोग सेवा में लगे हैं, जलपान करो। क्या धन्यवाद दूँ, अपने मुँह से कुछ कहा नहीं जाता है मेरे से। और फिर आओ, थोड़ा आराम करो, बैठो, फिर आओ यहाँ सत्संग में बैठो, फिर यहाँ से निकलो, संत गुरुजनों के पर वचन सुनो, और यहाँ से निकलो, फिर वहाँ भोजन तैयार है। इतनी सेवा तो कोई दे नहीं सकता है, चाहे जितना नतैती रिश्तेदारी या चाहे घर पे भी हो, बच्चे हैं, सब लोग हैं, लेकिन जो यही कहते हैं कि संत जनों का ये उपकार, ऋणी रहेगा ये संसार, तो हम लोग हमेशा ऋणी के पात्र बने रहेंगे संतों के, ये मेरा कहना है। और मुझे यहाँ आके ध्यान शिविर में मैं कई बार प्रयास करी जान आने के लिए, लेकिन आ नहीं पाई, लेकिन अब की बार मैंने कहा मैं जा के रहूँगी, तो मेरे साथी भी कहे हम भी चलेंगे, तो हम कहा चलिए, और आ गए। तो ध्यान शिविर में आके मुझे बहुत प्रशंसा हुई, संत गुरुजनों की सत्संग तो हमेशा सुनते थे, लेकिन ध्यान शिविर जितना मुझे प्रशंसा कभी नहीं हुई। ठीक है, हाँ ठीक है माता जी, यही अच्छा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। एक भजन मैं भजन न सुना, बहुत छोटी, बाद में, बाद में मुझे सुना देना अलग से, छोटी सी। अरे समय खा जाओगी। ओ मोरी भक्ति दया निधि पार, कियो मोरी भक्ति दया निधि पार,
टेक भर मन प्रवाह संभव में थीर नहीं, मन प्रवाह संभव में थीर नहीं, खैची की हो मोहि चरण या शक्ति दया निधि पार, कियो मोरी भक्ति दया निधि पार, भंग चाहो मैं तो मनीषा को, भंग चाहो मैं तो मनीषा को, करो निरमूल कुबुद्धि निज शक्ति दया निधि पार, कियो मोरी भक्ति दया निधि पार, स्वार्थ भरम देह सुख आसा, स्वार्थ भरम देह सुख आसा, कै प्रकार करो आनिया शक्ति दया निधि पार, कियो मोरी भक्ति दया निधि पार, मैं अभिमान जाल धन पायो, मैं अभिमान जाल धन पायो, करो गुलाम अपन बाल शक्ति दया निधि पार, कियो मोरी भक्ति दया निधि पार, चतुर कपट दिल आमन छूटे, चतुर कपट दिल आमन छूटे, मद में न भूल न लखत या पाती दया निधि पार, कियो मोरी भक्ति दया निधि पार, श्री गुरुदेव हरो अघयाव गुण, श्री गुरुदेव हरो अघयाव गुण, देव अखंड विचार विरक्ति दया निधि पार, कियो मोरी भक्ति दया निधि पार। बोलिए सतगुरु देव की जय। शिव कुमारी देवी कहीं से आई हैं? शिव कुमारी हैं? नहीं है, चलो ठीक। अंशुराज सुपौल से एक बिटिया है, भजन गाना हो तो ना आना कोई भी। शिव कुमारी आप हैं? अच्छा, देर में सुने थे। अच्छा बैठो, अभी बाद में भजन, बाद में, अभी नहीं। अरे बैठो अभी, अंशुराज हैं, अंशुराज तुम आ जाओ। माता जी भजन नहीं होगा, बैठो अभी। अंशुराज तुम आ जाओ बेटा। हाँ जाओ, आ जाओ, बोलो।
परम पूजनीय गुरुदेव जी, संत महात्माओं, साधक एवं साधिकाओं, आप सभी के चरणों में साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मैं यहाँ इस ध्यान शिविर में पहली बार आई हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ साहेब जी के वचनों को सुनने को मिला और मेरा मन आनंद से भर गया। ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ मिल गया हो। ध्यान अभ्यास का बहुत सरल तरीकों से बताया गया। ध्यान साधना में भी मन लगा और यहाँ की विधि व्यवस्था मुझे बहुत पसंद आई। साहेब जी कहते हैं कि भगवान कहीं बाहर में नहीं मिलती है, भगवान अपने दिल में होता है, बस इसे खोजने की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ दोबारा फिर से आना चाहूँगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ऐसे वक्ता अच्छा लगते हैं, है ना? इनके लिए ताली बजाओ जरा जोर से। काम की बातें, चुनित बातें। अच्छा, विद्या सिंह सतना से, श्रीमती विद्या सिंह सतना से आई हैं? आई है, आएंगी बोलने? अच्छा, आप सोचिए तब तक के। सतवंती देवी नहीं आएंगे? सतवंती देवी, शीला गुप्ता, शहडोल, हाँ आ जाओ। आ जाओ। माइक थोड़ा उठा देना चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव की जय, सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। सत्य संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्य संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही भलाई है। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। ये वेद बताते हैं, सतग्रंथ बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सतग्रंथ बताते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं, और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, पापी से पापी भी
पावन बन जाते हैं पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बढ़िया। पहली बार जो ध्यान शिविर में सम्मिलित हुए हैं उन साधकों में से उन साधिकाओं में से कोई ऐसे हों जो चाहते हों कि मैं कुछ बोलूं, उनको आमंत्रित करता हूं मैं, जो पहली बार आए ना, फर्स्ट चांस। हाँ आइए। परम पूज्य गुरुदेव जी तथा समस्त संत बिंद, श्रोता बिंद, भक्तिमती माताएं, बहने एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आज ध्यान शिविर का अंतिम दिन है। इस अवसर पर दो शब्द रखने का मौका मिला है। मैं आप सबों को बताना चाहूँ कि इस पारक संस्थान के विषय में पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी। इसका सबसे प्रथम श्रेय यदि जाता है तो इस संस्थान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका पारक प्रकाश को जाता है। पटना गांधी मैदान में धर्म सम्मेलन के दौरान मुझे पारक प्रकाश पत्रिका पुस्तक विक्रेता के माध्यम से हस्तगत हुआ, जिसके दो चार पेज ही पढ़ने पर उसकी भाषा शैली एवं विचार मुझे इतना हृदय में धंस गया कि वहीं सदगुरु अभिलाष साहेब को मन ही मन अपना सदगुरु स्वीकार कर लिया और मन ही मन निवेदन किया, सदगुरुदेव आप जहाँ कहीं भी हों हमारी वाणी और बुद्धि को प्रेरित करें। फिर उसके बाद उस पत्रिका के पृष्ठ पर छपे मोबाइल नंबर से मैं यहाँ संपर्क किया। दूसरा श्रेय सत्येंद्र साहब को जाता है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ तक आने का अवसर प्रदान किया। सन 2015 में कुंभ, अर्ध कुंभ या कुंभ लगा था, उसमें उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मैं इस आश्रम में दो तीन साथियों के साथ आया, दो तीन दिन रहा, एक दिन मेला भी घूमा। उस दिन मैं घूम करके रात में 9 बजे आया। यहाँ पर भोजन सामग्री समाप्त हो गई थी, फिर यहाँ के संत हम लोगों के लिए फिर से भोजन बनाए और हम लोगों को खिलाए। हमारे पास कोई शब्द नहीं उनकी प्रशंसा का। उस वर्ष से फिर लगातार वार्षिक अधिवेशन में आ रहा हूं और ध्यान शिविर में यह पहला बार मौका है यहां उपस्थित होने का। हमारे परम पूज्य संत श्री गुरु भूषण साहेब राजस्थान से वापस लौट रहे थे, ट्रेन में थे। मैं इनके पास फ़ोन किया और बोला, साहेब मुझे ध्यान के बारे में दो शब्द बताइए। तो इन्होंने बताया, अरे बहुत गहन विषय है, क्या फोन पर बताऊं, तुम शिविर में आ जाओ, 20 से स्टार्ट हो रहा है। मैं इनका आभारी हूं और साहब का भी आभारी हूं, मुझे यहां आने का अवसर मिला। और जीवन में पहली बार मैं एक सप्ताह मौन रहा हूं। इसकी किसी, हमारे पास कोई शब्द नहीं जो इसकी प्रशंसा कर सकूं। और मौन रहने का मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला और मैं जीवन में आगे भी इसी तरह मौन रहने का प्रयास करूंगा, कम से कम बोलने का प्रयास करूंगा। और यहाँ की जो विधि व्यवस्था है वह हमें बहुत ही पसंद आता है। यहाँ आकर के मुझे साफ सुथरा रहने का अवसर मिला। जो कुछ मैं यहाँ आकर सीखा हूँ, समझा हूँ, अनुभव किया हूँ, उसे शब्दों में व्यक्त करना मुझे भारी पड़ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। साहेबंदगी बढ़िया, बहुत सुंदर। आप तो और आए थे क्या कभी? पहली बार है? हाँ
हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो आ जाइए, थोड़ा से बोलेंगे ना, आ जाइए, भजन भी नहीं गाना है, थोड़े बोलना है। आप भी आए, पहली बार है? एक मिनट साहब, क्या नाम है? हाँ विजय जी, आप आए, माइक उठा लेंगे थोड़ा से और नज़दीक से बोलिए। बोली सदगुरु साहब की, भक्त समाज की। मैं पहली बार, हमारे एक मित्र हैं वासुदेव सिंह जी, जिनके माध्यम से मैं करीब 2004 में पहली बार परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे पहले ही दृष्टि में गुरु जी के अंदर वो बोझ, वो तेज, वो दूरगामी दृष्टा दिखाई पड़ा, जिससे मैं अभिभूत हो गया। मैंने जीवन में किसी को गुरु नहीं माना, लेकिन माना तो गुरु महाराज को माना। दो बार सम्मेलन में भी आया, 2004 में, 5 में, परस्पर में 2-3 बार कार्यक्रम भी हुआ। इस बार कई बार वासुदेव सिंह जी मुझसे बराबर कहते थे, चलिए चलिए चलिए, मैं कहता था, फिर कहता था छोड़ो तुम चले जाओ, छोड़ो तुम चले जाओ, मुझे टाइम नहीं है। इस बार आया तो ध्यान शिविर में जब बैठा, 19 को आया, 20 को जब ध्यान शिविर सत्र चालू हुआ तो मेरा मन नहीं लगता था, मन भागता था, मन बार बार मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता था पर कंट्रोल ही नहीं होता था। हमारे गुरुदेव जी बार बार इस पर करें, मन को ऐसे स्थिर करो, ऐसे ध्यान में हो, लेकिन कोई चीज़ मेरे पल्ले पड़ता ही नहीं था। फिर दूसरे तीसरे दिन गुरु जी ने एक सूत्र बताया कि 1, 2, 3, 4, 10 से 15, 15 से 20 दार पर गिनती गिनो। मैंने उसे गिनना चालू किया तो जब तक गिनती चालू करता था तब तक तो किसी प्रकार मन को नियंत्रित रखता था और नियंत्रित होता था। अगर मैं गिनती बंद कर दूं तो मन फिर भागने लगता था। फिर दूसरे दिन गुरुजी ने कहा प्रेम और जी क्षमा करुणा प्रेम। मैं बार बार क्षमा करुणा प्रेम मैत्री ये कहने लगा, रटने लगा। तो गिनती में मुझे ये आभास होता था कि विजय अगर तुम गिनती गिनोगे तब तो गिनती ही रह जाएगी, गिनती गिनते रहो, गिनती गिनते रहो, गिनती से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये चार शब्द हैं, प्रेम मैत्री क्षमा करुणा, अगर इन चार शब्दों को जीवन में उतार लो तो हमारे ख्याल से जीवन की काया ही पलट जाएगी। तो मैंने अपने इस सत्र में, एक सप्ताह के सत्र में जो अनुभव किया वो यही अनुभव किया कि या मन तो मन मानता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से यह आशा लेकर घर जा रहा हूँ कि अगर जब भी ध्यान पर बैठूँगा केवल इन चार शब्दों को कहता रहूंगा और इन चार शब्दों का मेरे माइंड मेकअप स्मरण में आ गया तो सारी बाधाएं इन चार शब्दों से निवारण हो सकती है, क्षमा मैत्री करुणा। तो मैं यही चार चीज गुरुजी की लेकर यहां से जा रहा हूं और ये प्रयास करूंगा कि इन्हीं चार शब्दों से मेरे जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। धन्यवाद। बढ़िया, हाँ साहब, वो कहाँ वाले अजय, आपको कह रहा हूँ, नादिया से आए हैं, हाँ आइए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी। अर्चनी वंदनीय संत समाज, दूर दूर से आए ध्यानार्थी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों,
वैसे ये मेरा ध्यान शिविर का दूसरा बार है, इससे पहले मैं पिछले साल नया पारा में आया था और इस साल मेरा मन था कि मैं इलाहाबाद में आऊं। और यहाँ पर मैं बोलने नहीं आने वाला था, लेकिन अंतर्मन से आवाज़ आई कि बोलने के लिए आऊं, इसलिए आ गया साहेब जी। पूर्णता का मैंने अनुभव किया साहेब जी यहाँ पर आकर पहली बार। ठीक है, ऐसा लगा, थोड़ी सी आराम से बोल रहा हूँ क्योंकि ये इधर का धड़कन बढ़ा हुआ है, थोड़ा संभालते हुए बोल रहा हूँ। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, चौथा दिन के बाद पांचवा दिन, इस दिन मुझे पूर्णता का अनुभव हुआ। आखिरी समय जब मैं नया पारा में आया था, वहाँ पे साहेब जी का प्रवचन हुआ था आखिर में, समापन के दिन। उसने दो बातें बताई थी, ध्यान की आखिरी अवस्था होती है एक संप्रताज्ञ और दूसरा असंप्रताज्ञ। संप्रताज्ञ में मन स्थिर रहता है लेकिन संकल्प आते रहते हैं लेकिन प्रभावी नहीं होते, और असंप्रताज्ञ में मन का पूरा पूरा स्थिर हो जाता है, संकल्प विकल्प बिल्कुल भी नहीं आते। और शायद किसी ने एक दिन प्रश्न किया था कि जब मन स्थिर अगर हो जाता है तो उस समय भी श्वास का आना जाना और श्वास का देखना चालू रहता है और संकल्प आते रहते हैं, तो ये मेरा अनुभव, मैं उस दिन भी जवाब देने वाला था कि ये ऐसा नहीं होता है। जब जैसे कि आपने कहा मन और वाणी अलग अलग नहीं है, तो मैंने ये फील किया वाणी और संकल्प जो चित्र हमारे दिमाग में आते हैं उस पर आकर संतुलन बनाते हैं, वाणी पर अगर संतुलन बनाते हैं, श्वास पर अगर संतुलन बनाते हैं, तो आपका एक संतुलन बना रहता है, नहीं श्वास पर ध्यान जाता है, नहीं चित्र पर ध्यान जाता है और नहीं वाणी पर ध्यान जाता है। ये मेरी बहुत बड़ी फीलिंग हुई पाँचवा दिन। उसके बाद एक और प्रश्न जो शायद अभी अभी किसी ने किया कि वो जो ये सिचुएशन जिसके लिए वो बोल रहे थे कि इधर लाइन में कोई आए और हमको फीडबैक देते रहे कि आप गलत बैठे हो सही बैठे हो, ये मुझे भी अनुभव हुआ था लेकिन नया पारा की बात है, मुझे आज भी वो बात याद है। मैं जब शुरुआती दिनों में पहला दिन दूसरा दिन मैं ध्यान में बैठा था, जिस सिचुएशन में आप बोलते थे मुझे याद है सरल आसन में बैठिए जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, मैं कोशिश किया पहला आसन कोशिश किया नहीं बना, चेंज किया, दूसरा आसन चेंज किया, तीसरा आसन चेंज किया, चौथा आसन चेंज किया। उस दिन मुझे जीवन की एक बहुत बड़ी बात पता चली, वो ये है कि जीवन में आप किसी भी सिचुएशन में रहे, कितनी भी सुख सुविधाओं में रहे, एक दिन आपको दर्द आना चालू होगी मतलब होगी, एक दिन आपकी ज़िंदगी में दुख आएगी मतलब आएगी, और जिस दिन आप उसको झेलना सीख जाएंगे ना, उस दिन आप ध्यान करना सीख जाएंगे। फिर मैं चुना एक आसन को और उस आसन में ऐसे बैठा कि मेरा पूरा ध्यान लग गया। उस समय केवल संप्रताज्ञ तक गया था, आज असंप्रताज्ञ तक गया है, आज संकल्प विकल्प आना बिल्कुल बंद हो गया है। और मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि जब ऐसा हो जाए उस समय अगर तत्व ज्ञान की बातें दिमाग में सही सही बैठ जाए उस समय आपकी पूर्णता हो जाती है, वही मुझे पूरी पूरी पूर्णता हुई। और समय ज़्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है आपके फेस से, तो मैं इतनी बात आपको कहता हूँ कि आप भी ये कर सकते हैं, ध्यान की पूर्णता अपने आप में पूर्ण हो सकते हैं, पूर्ण तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। साहेब बंदगी साहेब। बढ़िया, अच्छी बात, बहुत सी बातें आपने की। बागपत से एक संत जी आए हैं, श्री भूषण साहब। आइए साहब, फिर हम पूज्य श्री, आप आ रहे थे, आप बोलने दीजिए, बाद में देखेंगे, पहले फिर साहब जी बोलेंगे, श्री गुरुक्षेम साहब जी। हाँ, उठा लीजिए। पूजनीय आचार्य साहब जी, यहाँ आप उपस्थित संत महात्मागण, दूर दूर से आए हुए प्यारे सज्जनों, हमारे बीच में अभी सभी माता बहनों ने, भाइयों ने, संत महात्मा ने अपने विचार दिए, साहेब जी भी बताए थे कि अपना विचार देना है। सज्जनों, जीवन में ध्यान के बिना जीवन ही अधूरा है, ये मेरा अनुभव है। और हम सबको ध्यान के लिए एक वैचारिक क्रांति लानी चाहिए। आप लोग अपने अपने घरों में जा कर के समाज में इस चीज़ को फैलाइए,
ध्यान से कितनी आत्मा को शांति मिलती है। आदमी धन के पीछे तो सारा जीवन लगा देता है, लेकिन ध्यान के लिए बिल्कुल निष्क्रिय रहता है। तो साथियों, मैं ये ज़्यादा बोलना चाहता हूँ कि ध्यान को और अधिक बड़ा रूप में इसको आयोजन करें। यही मेरा संदेश है, यही मेरा विचार है। बोल सतगुरु महाराज की जय। बढ़िया। और श्री गुरुछेम साहब जी हम लोगों के बीच आ रहे हैं, हो गया ना साहब? और कुछ व्यवस्था जो आश्रम में जो ध्यान शिविर के समय हुई है, आप लोगों के द्वारा जो सहयोग प्राप्त हुआ है, उसको बताने के लिए श्री गुरुछेम साहब जी, संस्थान के कोषाध्यक्ष। परम पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनीय मुद मंगल में संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी बंधुओं तथा देवियों, आज का दिन हम सबके लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज से 86 वर्ष पूर्व इस भारतीय नभ में एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ था जो अपने जीवन में पता नहीं क्या क्या कर गए। आप जिस दृष्टि से भी देखें उन्हें, आप सफल ही उन्हें पाएंगे। वो महापुरुष थे सद्गुरु अभिलाष साहेब जी। सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी एक ऐसे महापुरुष थे जो बांस को बांसुरी बनाने का काम किया। बांस खोखला होता है, लेकिन वही बांसुरी बन जाती है तब कितने लोगों के मन को मोह लेता है। मिट्टी को मणि बनाने का काम किया, पत्थर को एक मूर्ति का आकार दिया, सामान्य व्यक्ति को साधक बनाया, साधक को सिद्ध बनाया, जीव को जौहरी के रूप में परिवर्तित किया उसने, सूखे हुए व्यक्ति जिसका कोई विचार नहीं था, जिसको अपना जीवन के आगे न पीछे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था, उसे समुद्र जैसे अथाह विचारों की ओर उसने ले चला। भूखे व्यक्ति को या भूखे व्यक्ति के लिए भगवान सिद्ध हुए वो, दुखी व्यक्ति के लिए देवता सिद्ध हुए, इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति के लिए दिवाकर का उसने काम किया, निंदक को निर्वैरी के रूप में उन्होंने बनाया, हिंसक को हमदर्द रूप में बनाया। उन्होंने क्या नहीं किया। गुरु थे, जिस रूप में भी देखें उन्हें, वो गुरु थे, प्रवक्ता थे, संत थे, वैराग्यवान थे, सब कुछ तो थे। उनका वाणी पढ़ें और उनके ही वाणी के आधार पर ये ध्यान शिविर का सत्र आज हम जिस पर 7 दिनों तक
बैठकर उनके विचारों को चिंतन किए, उसके विचारों को मनन किए और उन विचारों में निमज्जन किए, साथ ही हमने पाया अपने आप को जानने का ढंग। वो सद्गुरु श्री अविनाश साहेब जी की ही देन है। कबीर पंथ में सद्गुरु श्री अविनाश साहेब जी ने ही ध्यान शिविर का खुला रूप सद्गुरु अविनाश साहेब जी ने ही दिया था। इसके पहले कबीर पंथ में चलता था ध्यान शिविर, ध्यान करवाते थे संत लोग, लेकिन अपने अपने ढंग से सामूहिक रूप से किसी महापुरुष ने चालू किया तो वो है सद्गुरु श्री अविनाश साहेब जी। खुले मंच में आप कहेंगे तो प्रवचन देने का भी कार्यक्रम सद्गुरु अविनाश साहेब जी ने की। पहले भी संत लोग हुआ थे प्रवचन अपना देते थे, लेकिन घर के अंदर, कमरे के अंदर, बहुत हुआ तो दरवाजा के बाहर, लेकिन खुले मंच पर माइक पर बोलने के साहस सद्गुरु अविनाश साहेब ने की और वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। वही ध्यान शिविर के उपलक्ष में आप लोग पधारे हुए हैं और सद्गुरु अविनाश साहेब जी ने जो रास्ता दिया उस रास्ता को कबीर पारक संस्थान निरंतर आप लोगों के सहयोग से बढ़ा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान शिविर का जो आयोजन होता है उसमें आते हैं, साधना करते हैं और अपने मन और इंद्रियों पर कैसे कब वश में करें, उस दिशा, उस रास्ता पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उस साधना के लिए सबसे पहले आवश्यकता है भोजन। कहा भी है बिना भूखे भजन न होए गोपाला, भोजन के बिना तो आप 7 दिनों तक यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठ सकते। पहले भोजन तब भजन। तो इस प्रकार मैं कह रहा था कि सद्गुरु अविनाश साहेब जी ने हर क्षेत्र में और हर किसी पर अपना छाप जरूर छोड़ा है। किसी ने कहा है कि कहने के लिए तो तेरे सिर पर कोई ताज नहीं था, कहने के लिए तेरे सिर पर कोई ताज नहीं था, पर ये तो बता किसके दिल में तेरा राज नहीं था। यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं सद्गुरु कबीर साहब को सब लोग जानते हैं, ऐसे ही सद्गुरु अविनाश साहेब जी के लिए भी सभी लोग समर्पित हैं। इसीलिए ये आयोजन उनके न रहने के बाद भी हो रहा है और इस प्रकार आपका सहयोग बना रहा तो होता ही रहेगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रकार सहयोग देते रहेंगे तो यह होता ही रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सद्गुरु अविनाश साहेब जी को तथा ध्यान शिविर में आए हुए सभी बाहर भीतर सभी संतों को नमन करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ध्यान शिविर का जो समापन होता है, पूज्य गुरुदेव जी जो हमारे संरक्षक थे, आधार थे, उनके आज जन्मदिन, उसी पर यह समापन दिवस होता है। ध्यान शिविर के संबंध में ही लोगों की चर्चा होती रही, गुरुदेव जी के संबंध में कोई अलग से परिचर्चा नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी ध्यान शिविर में जो कुछ भी हुआ उन्हीं के चरणों में समर्पित है और उनके ही बताए मार्ग पर चलना उन्होंने ये शुरुआत की ध्यान शिविर के संबंध में और साहस दिया संतों भक्तों को।
पर जिस प्रकार से गुरु ने ये काम किया अपने बीड़ा उठा करके और वो एक प्रवाह चल पड़ा है, तो यदि ये काम किया जाता है तो मैं समझता हूँ ये गुरुदेव जी के ही संबंध में परिचर्चा है। और हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव जी कब जन्मे, कब उनका शरीर का अंत हुआ, कहाँ जन्मे, क्या किए, कितनी पुस्तकें लिखे, क्या बोले, क्या किए, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि हम जो कुछ उनका ज्ञान हमें मिला उसका अपने जीवन में कितना अप्लाई करते हैं, कितना हम धारण करते हैं, और जितने अंशों में उनके विचारों को हम अपने जीवन में उतारते जाएंगे, मैं समझता हूँ उतना ही उनके प्रति यही कृतज्ञता ज्ञापित करना होगा, यही आभार व्यक्त करना होगा, यही उनके द्वारा जो ऋण है उस ऋण से उऋण होना होगा। तो हम सब जितने यहाँ साधक साधिकाएं आते हैं या ऐसे भी आते हैं, तो मैं समझता हूँ सबका भाव गुरुदेव जी के प्रति है और सभी लोग उनके विषय में जानते हैं और सुनना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं। और मैंने कहा वो असली समझना, असली सुनना, असली जानना क्या है? बस उनके बताए पथ पर अपने जीवन को चलाना। ये इसलिए अलग से कोई परिचर्चा का वक्त नहीं होता है, समापन होता है। और बहुत ऐसे कुछ लोग नए जो लोग आज बोले हैं, उन लोगों को बहुत जानकारी भी नहीं होती है। कई लोग तो हो सकते हैं जो गुरुदेव जी से मुलाकात भी नहीं किए होंगे, बहरहाल, लेकिन फिर भी आए हैं, तो सबके प्रति धन्यवाद है। और आज हमारे बीच हमारे विशिष्ट मेहमान आए हैं, सम्माननीय आदरणीय संत श्री शिव मुनि जी। आप इस अवसर पर आए, कल ही आ गए थे आप हैं, तो भले ही आप ध्यान शिविर में नहीं आए, इसलिए मैं ध्यान शिविर के संबंध में आपके लिए कोई निवेदन भी नहीं करूँगा, क्योंकि गुरुदेव जी का जन्मदिन है और गुरुदेव जी से भी आपका संबंध रहा किसी न किसी रूप में, तो आप संक्षिप्त में इस अवसर पर अपने विचार रखें। श्री शिवमुनि साहब आए। एक बार आप सभी लोग इस ध्यान शिविर में आप सब लोग चार्ज हो चुके हैं, इसलिए मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कितने चार्ज हुए। तो मैं दो महापुरुषों का जयकारा लगाऊंगा, उसमें आप कितने चार्ज हुए मुझे जरा पता चलेगा। श्रद्धा और प्रेम के साथ बोलिए, सद्गुरु कबीर साहेब की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरु अभिलाष साहेब की। आज के आनंद की। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रयलोक्य पूज्यं गुरुं सदविद्यां सुविविच्य सार शिवदं शिष्यैश्च संसेवितं आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तमलीलाधृतविग्रहं यतिवरं वंदे कबी परम वंदे कबीरम परम। परम पूज्य श्री साहिब जी, वंदनीय संत समाज और आप सभी सद्गुरु के प्रेमी भक्त हंसजनों, भक्तिमती माताओं, प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों, मैं अनायास ही इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। कुछ काम से इलाहाबाद आना हुआ तो साहेब जी के दर्शन की आकांक्षा मन में जगी, तो पता चला कि साहेब जी यहाँ हैं, ध्यान शिविर चल रहा है,
तो इस दो दिन का अवसर का मैंने भी लाभ उठाया और मैंने यह जो मैंने कल शाम से यहाँ जो पाया, जो दर्शन संतों का किया और साहिब श्री के मुखारविंद से ध्यान के समय उनके जो मूल्यवान विचारों को श्रवण किया, उसका एक ही अर्थ है कि हमारे जीवन में हमें पूरी तरह जागृत होना चाहिए। ध्यान का एक ही अर्थ है कि हमारे आपके जीवन का पूरी तरह जागरण, पूरी तरह होश। जीवन में आप चलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, प्रत्येक आपके जीवन की क्रिया पे आपका निरीक्षण होना चाहिए और प्रत्येक क्रिया होश पूर्वक होना चाहिए। आप भोजन कर रहे हैं तो एक एक कण वो ग्रहणीय है, अगर आप एक कण भी छोड़ते हैं तो मान लीजिए कि आप होश में नहीं है, आपने ध्यान का कोई लाभ लिया नहीं है। ध्यान का अर्थ ही है पूर्ण जागरण, पूर्ण होश। और मैंने ये दो दिनों तक इसका यहाँ अनुभव किया, साहेब जी को बहुत बहुत उसके लिए उनके आभार व्यक्त करता हूँ। और आज परम आनंद का विषय है कि परम पूज्य प्रातस्मरणीय त्याग वैराग्य के साक्षात प्रतिमूर्ति कबीर पंथ के महान मूर्धन्य विद्वत विभूति, दर्शन शास्त्र के प्रकांड विद्वान, कबीर पंथ के परम विभूति, परम श्रद्धेय, परम पूज्य सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी का आज जन्मोत्सव है, इसलिए मुझे और प्रसन्नता हुई और इसलिए मैं और यहाँ मैं आज रुकने का मैंने संकल्प लिया और आज आपके समक्ष दो शब्द बोलने का मुझे अवसर मिला है। उनके साथ बहुत सारी यादें हैं मेरी। मैं जब सर्वप्रथम लगभग आज से 30-35 साल पहले काशी में अध्ययन करता था, सर्वप्रथम मैंने साहिब जी के दर्शन के लिए मैं प्रीतम नगर आया और साहिब जी ने उस समय जो आह्लादित करने वाला आलिंगन मुझे दिया, भर पहुंच ऐसा पकड़ के अपने छाती से साहिब जी ने लगाया, मुझे लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। इतना साहिब जी का संतों के प्रति प्रेम, ओहो अद्भुत। साहेब जी का संपूर्ण जीवन हमारे लिए प्रेरणास्पद रहा है, संपूर्ण जीवन, जीवन की प्रत्येक क्रिया प्रत्येक संत साधक के लिए प्रेरणास्पद है। यदि साहेब जी के साथ जिन्होंने कुछ भी क्षण बिताए होंगे तो निश्चित रूप से वो मुक्ति को प्राप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक कार्यक्रम का उल्लेख मैं करना चाहूंगा, साहेब जी दो मिनट लेना चाहूंगा। सन 98 की घटना है, बेतिया चंपारण में एक बड़ा कार्यक्रम शताब्दी का था, श्री रामरूप गोस्वामी साहेब जी ने उस कार्यक्रम का आयोजन किया था और काफी महापुरुषों को वहां उन्होंने आमंत्रित किया था। कार्यक्रम का सूत्र संचालन उन्होंने मेरे हाथ में दे रखा था, काफी कई महापुरुष वहां आए हुए थे। 3 दिन का कार्यक्रम था और साहेब जी ही मुख्य अतिथि थे। दूसरे दिन के कार्यक्रम में साहेब जी थोड़े से विलंब से, वैसे साहेब जी मुख्य अतिथि थे लेकिन थोड़े विलंब से आए और मैंने साहेब जी को देखा कि साहेब जी चुपके से पीछे से स्टेज पे चढ़े और उन्होंने अपने हाथ में ली हुई जो चादर थी, जो हम लोग आसन रखते हैं, उसको चुपचाप पीछे बिछा दिया और साहेब जी वहीं बैठ गए। ये नहीं कि मैं मुख्य अतिथि हूँ, मुझे सबसे बड़े आसन पे जाके बैठना चाहिए,
उसी दिन मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे आंखों में आंसू आते हैं और मेरा हृदय श्रद्धा से भर जाता है कि बिल्कुल अपने आप को इतने बड़े महापुरुष मुख्य अतिथि होते हुए जो उन्होंने अकिंचनता वहाँ उनसे वहाँ देखने को मिली, ओ हो हो हो, मैं दौड़ के गया। मैंने कहा साहेब जी आपको यहाँ नहीं बैठना है, आपका आसन आगे है। बहुत प्रत्येक साहेब जी का जो एक एक क्रियाकलाप था ना, ओहो, उसकी हम शब्दों में विवेचना नहीं कर सकते। उसी कार्यक्रम की मैं दूसरी घटना बता रहा हूँ आपको। एक महापुरुष आमंत्रित थे, उन्होंने, वो बड़े आचार्य हैं एक गद्दी के, और उन्होंने साहेब जी से राग द्वेष वश जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। उसके बाद वो उठ के चले गए। आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहिब जी ने मुझसे कहा कि शास्त्री जी क्या देख रहे हो, माइक मुझे दो। और उन्होंने माइक लेके फिर उनको इतनी लताड़ लगाई कि आप पूछिए मत। पूज्य साहिब जी सदगुरु श्री अविलास साहिब जी परम शांत, इतना कुछ होने के बावजूद उनके चेहरे पर एक भी सिकन नहीं। और जब साहेब जी का अंतिम उद्बोधन हुआ, उन्होंने उन सारे विषयों को बिल्कुल मानो कि सुना ही ना हो, और उन्होंने जो अपनी बात कहनी थी सद्गुरु कबीर साहब के सिद्धांत के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, प्रेम पूर्ण भाव से, बिना किसी राग द्वेष या सुने हुए शब्दों को बिल्कुल ध्यान न देते हुए, इतना मधुर, इतना सुंदर, इतना अर्चनीय, वंदनीय उन्होंने प्रवचन किया कि उसकी शब्दों में विवेचना नहीं की जा सकती। उस कार्यक्रम के पश्चात हम श्री आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहेब जी, हम लोग फिर साहेब जी के दर्शन के लिए गए, जहाँ साहेब जी का विद्यालय में वहाँ स्थान था। साहेब जी से निवेदन, साहेब जी कहे अरे कुछ नहीं, ये सब होता रहता है, बहुत सामान्य भाव से। तो सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी, मैं इतना ही कहूँगा कि जिनको जिनको उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, मानो आपको कबीर साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ है, बस इन्हीं शब्दों के साथ, सत्यनाम बंदगी साहेब। गुरुदेव, हेलो, पूज्य गुरुदेव जी के संबंध में आपने जो कुछ कहा, आप प्रत्यक्ष दर्शी थे, और मुझे पता है कि मुझे उस कार्यक्रम में जाने का मेरा टिकट भी था, लेकिन चूंकि मेला उधर कुछ तैयारी थी, शायद हरिद्वार का किसका ख्याल नहीं है, तो नहीं जा पाया। लेकिन आगे क्या हुआ, जिस महापुरुष की बातें आप बता रहे हैं कि उन्होंने गुरुदेव जी का नाम लिए बगैर अन्य बातों को कहते रहे, एक प्रकार से आलोचना ही करते रहे। राजस्थान में मिलना हुआ थोड़े दिन के बाद, एक कार्यक्रम में गए थे, उसमें मैं था। गांव का नाम तो मुझे पता नहीं है, शायद श्री सत्येंद्र साहब को पता हो, मुझे ख्याल नहीं है। पहाड़ी नुमा था, वहाँ सत्संग था, और वो भी आए थे। गुरुदेव जी अपने कक्ष में थे, मैं भी था साथ में। वो प्रवचन करके आए, जिन महापुरुष की चर्चा कर रहे हैं वो आए, दरवाजे पर गाड़ी रोके, शायद उनके मन में रहा हो मिले। गुरुदेव जी मिलने गए, मतलब इतने, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा है ना मिलूं, वैसे ही मिले जैसे मिलते थे। इसके बाद बनारस गए, काशी, तो जहाँ वो आजकल तो दूर रहते हैं शायद गंगा किनारे तो वहाँ गए, उनसे मिले, सारी बातें हुई, सब कुछ हुई। मतलब गुरुदेव जी के मन में यह नहीं कि इन्होंने मेरी आलोचना की, भरी सभा में ये कही तो मैं उनसे न मिलूं, न बात करूं, नहीं। जैसे आपने कहा ना, बाद में जब उनको अंतिम में बोलना हुआ तो ऐसा नहीं कि जैसे कोई सुने ही नहीं, उस विषय का उन्होंने स्पर्श ही नहीं किया। अन्य संतों ने भले कहा, लेकिन गुरुदेव जी जैसे हो करके भी न होने के समान वहाँ अपना किया।
ये इसलिए बातें शेयर की जाती हैं कि इस प्रकार के व्यवहार हमारे जीवन में कुछ अंशों में भी आ जाए, कुछ अंशों में भी आ जाए तो मैं समझता हूँ कि उनके सानिध्य पाने का लाभ मिलेगा, उनके विचारों का पढ़ने का लाभ मिलेगा और यही उनके प्रति सही कृतज्ञता होगी, सही श्रद्धांजलि होगी। समय काफ़ी हो चुका है, आप सभी जानते हैं, रोज़ 12 बजे समाप्त होता था, भोजन का वक्त होता था और आज तो 12:30 अभी बज गए हैं। अभी साहब जी के विचार सुनना है, गुरु पूजा का कार्यक्रम होना है, निश्चित है कुछ देरी हुई है, तो अब किसी प्रकार भी समय न गंवाते हुए मैं आप सबके प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सारी व्यवस्था और आगंतुकों के प्रति जो आप लोगों ने सचमुच एक ध्यान शिविर का अच्छा सा ये जो हम लोगों ने लाभ लिया, और एक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ मौसम का, शायद आप लोग भी महसूस करते होंगे कितनी गर्मी थी जब शुरुआत की उसके पहले से, उसके बाद बारिश समय समय पर हो जाती, कूलर की व्यवस्था थी लेकिन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और कल से गर्मी बढ़ गई है, तो मौसम इतना अच्छा रहा ऐसा लगा कि जैसे ध्यान शिविर के लिए ही व्यवस्था है। तो इस प्रकार सारी व्यवस्था पूरी कुदरत ने जो हम सबको सहयोग किया, सबके प्रति आभार और धन्यवाद।